गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और जो भी वर्क हम आपको करवा रहे हैं वो वर्क आप प्रॉपरली कंप्लीट कर रहे होंगे। आज का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश और हमारा टॉपिक है ब्लेंड्स। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, व्हेन टू लेटर्स मेक वन साउंड इज कॉल्ड ब्लेंड्स। जब भी दो लेटर मिलते हैं और एक नया साउंड क्रिएट करते हैं या नया साउंड बनाते हैं तो उसे हम ब्लेंड्स बोलते हैं। तो कौन से ब्लेंड्स हम सीखेंगे? सी एच, पी एच, डब्ल्यू एच, टी एच, एन जी, एन के, बी एल, सी एल, एफ एल, पी एल, एस एच, ये सारे जो लेटर्स है उसके हम ब्लेंड्स बनाएंगे और कुछ नए वर्ड्स सीखेंगे। सबसे पहला ब्लेंड हम पढ़ने वाले हैं ब्लेंड सी एच। स्पीक दिस वर्ड्स लाउडली आफ्टर योर टीचर। ओके, आप तो यहाँ पे हो नहीं तो आप, मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ तो आप आपके घर पे रिपीट कर सकते हैं। ओके, सी एच आई एन चिन, सी एच आई एन चिन, सी एच डबल ई के चिक, सी एच डबल ई के चिक, सी एच ए आई एन चेन, सी एच ए आई एन चेन, सी एच ए आई आर चेयर, सी एच ए आई आर चेयर, सी एच ओ सी ओ एल ए टी ई चॉकलेट, सी एच ओ सी ओ एल ए टी ई चॉकलेट, सी एच यू आर सी एच चर्च, सी एच यू आर सी एच चर्च, सी एच आई एल डी चाइल्ड, सी एच आई एल डी चाइल्ड, सी एच डबल ई एस ई चीज, सी एच डबल ई एस ई चीज। इसमें से ऑलमोस्ट वर्ड्स आपको पता ही होंगे कि किसका मीनिंग क्या होता है। ओके, चेन, चेक, चेन, चेन जो हम गले में पहनते हैं वो, चेयर जिस पे हम बैठते हैं, चॉकलेट जो सबको पता ही है चॉकलेट क्या होती है, चर्च, चर्च जहाँ पे हम, जैसे मंदिर होता है, गुरुद्वारा होता है, मस्जिद होता है, वैसे क्रिश्चियन लोगों का चर्च होता है। फिर चाइल्ड, चाइल्ड मतलब बच्चा, और चीज़, चीज़ मतलब भी सबको पता ही है। ओके, चलो नेक्स्ट पेज। Underline the blend CH sound in the following sentences. यहाँ पे कुछ sentences दिए हुए हैं, उसमें जो भी CH वाले words है, sound है, उसे हम underline करेंगे। First है chocolate is on the chair. तो chocolate और chair दोनों में underline होगी। Second sentence is children are going to church. तो children में भी CH blend है और church में भी CH blend है, तो दोनों में हम underline करेंगे। I like to eat cheese. तो cheese में CH blend है, उसमें underline करेंगे। He is taking his lunch. तो lunch में CH का blend है। Chubby Chintu comes and eats sandwich. तो Chubby में भी CH blend है, Chintu में भी CH blend है। तो हमने सारे CH वाले letters को underline कर दिया है। चलो हमारा next topic है ब्लेंड एस एच। अब हम एस एच वाले ब्लेंड्स रीड करेंगे। ओके, स्पीक दिस वर्ड्स लाउडली आफ्टर योर टीचर। मैं रीड कर रही हूँ, आपको मेरे पीछे रिपीट करना है, पर आप यहाँ पे है नहीं तो आप वीडियो देख के सेंटेंस वर्ड्स को अच्छे से रिपीट करना। एस एच आई पी शिप, एस एच आई पी शिप, एस एच ओ आर टी शॉर्ट, S H O R T short, B U S H bush, B U S H bush, S H A double L shawl, S H A double L shawl, S H I R T shirt, S H I R T shirt, S R U S H rush, R U S H rush, D I S H dish, D I S H dish, F I S H fish, F I S H fish,
BRUSH, ब्रश, BRUSH, ब्रश, SHELF, सेल्फ, SHELF, शेल्फ। तो यहाँ पे हमारे SH साउंड वाले वर्ड्स हमने कुछ देखे हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखते हैं, सर्कल द करेक्ट ब्लेंड वर्ड SH फ्रॉम गिवन वर्ड्स। यहाँ पे तीन स्पेलिंग दिए हुए जिसमें से एक सही है, बाकी के दो रॉन्ग है। तो जो जो सही है उस पे हम सर्कल करेंगे, ओके। तो पहला हमारा होगा SHIP, शिप। उसके बाद होगा FISH, फिश। उसके बाद BRUSH, ब्रश। और नेक्स्ट SOSHOE, शू। और उसके बाद PUSH, पुश। तो ये हमारे SH वाले ब्लेंड्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, ब्लेंड TH। ओके, अब हम जो भी वर्ड्स पढ़ेंगे वो TH साउंड के होंगे। स्पीक दिस वर्ड लाउडली आफ्टर योर टीचर। ओके, पहला हमारा वर्ड है THIRTEEN, थर्टीन। THIRTEEN, थर्टीन। THIRD, थर्ड। THIRD, थर्ड। BOTH, बोथ। BOTH, बोथ। THUMB, थंब। THUMB, थंब। THOUGH, thought। THOUGH, thought। THROUGH, through। THROUGH, through। TEETH, teeth। TEETH, teeth। CLOTH, cloth। CLOTH, cloth। THICK, thick। THICK, thick। THIN, thin। THIN, thin। NORTH, north। NORTH, north। THIRTY, 30। THIRTY, 30। PATH, path। PATH, path। Next, different sound of blend TH। Speak this word loudly after your teacher। ये कुछ different grammatic sounds है, okay? THERE, there। THERE, there। THOSE, those। THOSE, those। THAT, that। THAT, that। THEN, then। THEN, then। THME, them। THME, them। THESE, this। THESE, this। THE, THE, the। Next topic है, सर्कल द करेक्ट ब्लेंड साउंड TH। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, TH साउंड वाले वर्ड्स को हमें सर्कल करना है। फर्स्ट हमारा सेंटेंस है, दिस बुक हैज 30 पेजेस। तो दिस है वो TH साउंड है, 30 है वो भी TH साउंड है। That is a parrot। तो that हमारा TH साउंड वाला वर्ड है। There are four fingers and one thumb। तो there TH साउंड ब्लेंड और thumb भी TH साउंड वाला ब्लेंड। She is very thin। तो thin हमारा TH साउंड वाला ब्लेंड है। They are good। They में भी सर्कल होगा, हमारा TH साउंड है, ओके। चलो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हमारा ब्लेंड है एन जी। स्पीक दिस वर्ड लाउडली आफ्टर योर टीचर। चलो रीड करेंगे हम, RING, रिंग। RING, रिंग। KING, किंग। KING, किंग।
S-P-R-I-N-G, spring. S-P-R-I-N-G, spring. B-A-N-G-L-E-S, bangles. B-A-N-G-L-E-S, bangles. S-P-R-I-N-G, spring. S-P-R-I-N-G, spring. S-I-N-G, sing. S-I-N-G, sing. S-W-I-N-G, swing. S-W-I-N-G, swing. W-I-N-G, wing. W-I-N-G, wing. S-T-R-O-N-G, strong. S-T-R-O-N-G, strong. W-R-O-N-G, wrong. W-R-O-N-G, wrong. H-A-N-G, hang. H-A-N-G, hang. S-O-N-G, song. S-O-N-G, song. L-O-N-G, long. L-O-N-G, long. B-A-N-G, bang. B-A-N-G, bang. Next topic है हमारा फील कलर रेड ऑफ साउंड एनजी. जो भी एनजी वाले साउंड है उसमें हम रेड कलर करेंगे. तो जिसमें हम रेड कलर करेंगे वो मैं आपको टिक करके दिखा देती हूँ, बाकी क्या नहीं करेंगे. ओके, पहला है एस ओ एन जी सॉन्ग, तो इसमें रेड कलर करेंगे. एस टी आर ओ एन जी स्ट्रॉन्ग, इसमें रेड कलर करेंगे. बी ए एन जी बैंग, इसमें रेड कलर करेंगे. बी ए एन जी एल ई एस बैंगल्स, बैंगल्स में रेड कलर होगा. एल ओ एन जी लॉन्ग में रेड कलर होगा. नेक्स्ट, आज हम हमारा टॉपिक है वो यहाँ ही तक कंप्लीट करेंगे. जो बाकी के हमारे ब्लेंड्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. आई होप आपको जो भी आज मैंने पढ़ाया है वो आपने अच्छे से कंप्लीट, आपको समझ में आ गया होगा. अगर आपको ये वीडियो में या ये टॉपिक में कोई भी डाउट है तो स्कूल के प्रोवाइडेड नंबर पे आप कॉल करके आपके साथ जो भी डाउट है वो टीचर से डायरेक्ट बात करके सॉल्व कर सकते हैं. आई होप आपको हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं. ओके, और डियर पेरेंट्स, अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज डू लाइक अवर वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर किड्स लर्न चैनल. Thank you. Bye. Have a nice day.